मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था मैंने सुबह, लेकिन ये जो क्लिप है ये इवनिंग में रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं इसको सबसे पहले ही लगा रही हूँ क्योंकि मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू करना चाहती हूँ जो की है वाओ स्किन साइंस स्ट्रेच केयर बॉडी बटर। जी हाँ, स्ट्रेच से आपको क्या समझ में आता है, स्ट्रेच मार्क्स तो सबके ही होते हैं, इवन डिलीवरी के बाद तो हो ही जाते हैं। और कुछ ऐसा नहीं है कि डिलीवरी के बाद ही लेडीजों को ही होते हैं ये दाग, जो होते हैं ये आदमियों को सबको ही हो जाते हैं स्ट्रेच मार्क, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ जो कि न्यूली लॉन्च्ड है। ये वाओ का है और मैंने अपने कुछ प्रोडक्ट जो मंगाए थे ये उनमें से ही एक है, तो इसलिए मैं पिछले हफ्ते 7-8 दिनों से मैं इसको यूज कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो ये है स्ट्रेच केयर बॉडी बटर। जी हाँ, जैसे हमारा बॉडी बटर हैंड्स के लिए, पूरे बॉडी के लिए आता है, तो ये स्पेशली आपके स्ट्रेच के लिए है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। ये ऐसे कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आता है, इसके अंदर ये कंटेनर जार मिलता है जो कि काफी स्टेडी है, आप इसको आराम से ट्रेवल में यूज कर सकते हैं। जितनी भी सारी इसकी इंफॉर्मेशन इस बॉक्स में है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके इस कंटेनर के ऊपर मेंशन है। और देख लिया, इसका आउटर पैकेजिंग वैसी ही है जैसे कि इसके मास्क होते हैं। हम इसको ऐसे करके ओपन करते हैं, गोल्डन और ब्राउन कलर का इसका कंटेनर है। सॉरी, आप अंदर देखेंगे तो इतना प्रोडक्ट आपको खत्म दिखेगा जो कि मैं इसको डेली 2 बार यूज करती हूँ, एक बार सुबह नहाने के बाद, एक बार सोने से पहले, रात में जब मैं सोने जाती हूँ तो मैं इसको यूज करती हूँ। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लगती है। ये देखिए, ऐसे आपको लेना है और अपने आपको अफेक्टेड एरिया पे इसको अप्लाई कर लेना है। और इसकी स्मेल क्या कहना, सच में मैं इसकी स्मेल की मतलब फैन हो गई हूँ। इवन ये पीहू को भी बहुत अच्छी स्मेल लगती है, जब मैं इसको लगाती हूँ तो पीहू कहती है मम्मा बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है। तो ये काफी अच्छी स्मेल है। इसकी स्मेल आपको ना एकदम सैंडलवुड की लगेगी, मतलब चंदन की लगेगी, बट इसमें चंदन नहीं है, पर मुझे इसकी जो स्मेल है वो चंदन की तरह ही लगती है। और ये बहुत ही सॉफ्ट है, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल है, तुरंत अप्लाई हो जाता है और आपको 24 घंटे तक आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज है। बात करते हैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो 499 रुपीज है, बट आपको वाओ के ऐप में जाकर के किसी भी तरह का आप प्रोडक्ट वहां से परचेज कर सकते हैं, स्किन का, हेयर केयर है। वाओ की ऐप में आपको बहुत सारे ऑफर मिलेंगे जहाँ पे कॉम्बो ऑफर भी होते हैं, तो आप वहां जाकर जरूर एक बार चेकआउट करिएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि वाओ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो उसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं होता है, नो पैराबिन, नो सिलिकॉन, नो मिनरल ऑयल और नो कलर, इसमें किसी भी तरह का एडेड मिनरल कलर्स नहीं होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये इंडिया की ब्रांड है, तो ये प्रोडक्ट जो है हिमालयन बॉर्न है। और वाओ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्रुएलिटी फ्री होते हैं, मतलब कि किसी भी तरह के एनिमल पे यूज़ करके या चेक नहीं किए जाते हैं। और जो एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ वो ये है कि जो वाओ के प्रोडक्ट होते हैं इनकी कंपनी में 80% से ज़्यादा वुमेन्स काम करने वाली होती हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इनकी जो पैकेजिंग है वो इको फ्रेंडली है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें प्यूरिफाइड वाटर है और ये काफ़ी सारे एसेंशियल ऑयल से मिलकर बना है, जिसमें लेवेंडर ऑयल है और शिया बटर है, रोज हिप सीरम है, तो आपका काफ़ी अच्छा इसमें इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इसको स्ट्रेच मार्क्स पे लगाते हैं तो उसके साथ साथ आप अपने जैसे नीज में भी लगा सकते हैं, घुटनों में लगा सकते हैं, जहाँ पे भी आपका थोड़ा सा ब्लैक एरिया हो वहाँ पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाएगी। चलिए अब अपने व्लॉग के तरफ आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ जिसमें कि सैंडविच है और यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और ये वही नया वाला कप है जो कि मैंने आपको कल के या परसों के व्लॉग में दिखाया था, तो आज इसका भी उद्घाटन हो गया है। तो यहाँ मैं जो सैंडविच बना रही हूँ, वो जो मैंने कल पाव भाजी बनाई थी उसमें की थोड़ी सी भाजी बच गई थी, वही मैं यहाँ पे फिलिंग में, स्टफिंग में भर रही हूँ पीहू के लिए और पीहू के डैडी के लिए। बट मैं अपने लिए क्या करने वाली हूँ आप अभी आगे व्लॉग में देखिएगा कि मैं क्या बना रही हूँ।
तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने मलाई ली है और उसको मैं एक लेयर लगा दूंगी। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी शुगर स्प्रिंगल कर दूंगी, बस यही मेरी सैंडविच होगी। ऐसे ही मेरा मन हुआ कि चलो ऐसे बना लेते हैं। तो कभी कभी जब मेरा मन नहीं होता है कुछ भी बनाने खाने का, तो इस तरह से मैं कभी कभी सैंडविच बना लेती हूँ, बनाऊँगी सैंडविच मेकर में ही। तो यहाँ पे मैंने शुगर को स्प्रिंगल कर दिया है। क्या आप लोग भी इस तरह से कभी करते हैं तो बताइएगा, बना के इस तरह से खाते हैं क्या? और हाँ, आप लोग के इतने अच्छे कमेंट्स आए ना कि मैं आपको देख करके ये सीख रही हूँ, वो बना रही हूँ, मतलब बहुत मैं अच्छी अच्छी आपको जो रेसिपीज़ देती हूँ वो आप लोग को बहुत अच्छी लगती है। उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं जितना भी आपसे थैंक्स बोलूँ उतना कम है। तो अगर मैंने इतना कर दिया, आप मेरे से इतना सीख ली, तो बस मेरा दिन बन गया है, ये इतना ही है। और ये देखिए यहाँ पे पीहू की और पीहू के डैडी के लिए सैंडविच तैयार है, और मेरी वो मलाई वाली भी सैंडविच बन रही है। चाय मैंने अपने लिए बनाई है अदरक वाली। चलिए फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। आप सामने वेदर देख सकते हैं कि आज हल्की सी धूप है, आज बारिश नहीं हो रही है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अभी किचन में आ गई थी फिर से अपना लंच तैयार करने। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सिंपल सी भिंडी की सब्जी है। आज मैंने प्याज से नहीं छौंका है, मन नहीं हो रहा था इसी वजह से। तो बस मैंने इसको हींग जीरे से, सॉरी हींग नहीं डाला है, जीरे से ही छौंका है। और इधर कुकर में दाल भी चढ़ा दी है, तो मूँग की दाल है, भिंडी की सब्जी और रोटियाँ बनाऊँगी। बस चटनी मेरी रखी हुई है, वर्मा जी दही ले लेंगे क्योंकि आज मौसम सही है तो दही खा लेंगे। वैसे जब कभी कभी बारिश का टाइम होता है, ठंड सा होता है मौसम, तो वर्मा जी कभी कभी जो दही है वो स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आटा सान ले रही हूँ, और ये जो आटा है वो ज्वार बाजरा और क्या बोलते हैं रागी, तीनों चीज़ मिक्स है। और बस मैं इसको आटा सान के लगा के मतलब गूंद करके रख दूँगी। वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? और अभी मैंने आपके साथ आज एक प्रोडक्ट का रिव्यू किया है। सीरियसली वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग ज़रूर इसको खरीद सकते हैं। मैं तो इसको यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो खैर छोड़िए, ये तो हो गई प्रोडक्ट की बात। आज सारा दिन बात करें तो आज सारा दिन बहुत लेजी सा था। सुबह उठी, फिर वही काम, खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, ये करो वो करो, सारा वैसे ही चल रहा था। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में सिंपल सा ऐसे ही ब्रेड सैंडविच टाइप का कुछ बना लिया था। फिर हमारा लंच हुआ, लंच में मैंने आज क्या बनाया था, हाँ भिंडी की सब्जी, मूंग की दाल और रोटी बनाई थी, राइस नहीं बनाया था। तो कभी कभी ऐसा होता है, मैं राइस डेली नहीं बनाती हूँ क्योंकि जब अरहर की दाल या मसूर या फिर छोले राजमे होते हैं कड़ी, तभी मैं राइस बनाती हूँ। मूंग की दाल के साथ राइस नहीं अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने नहीं बनाया। और आप लोग के बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आते हैं, थैंक यू सो मच। और इसी तरह प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस यही था, सारा दिन ऐसे ही निकल गया। अभी टाइम हो रहा है 5:15। हमने अभी आज मैंने कॉफ़ी बनाई थी तो वो मैंने पी ली है। आज ग्रीन टी नहीं पिया, आज मन हुआ कॉफ़ी पीने का। और आज बारिश नहीं है, बहुत थोड़ी सी हुई थी दिन में एक बार, वैसे मौसम साफ है, आज बारिश नहीं हुई है। तो जिस दिन बारिश नहीं होती है उसके नेक्स्ट डे मुंबई में समझो भयंकर बारिश होने वाली है, तो कल का क्या पता भयंकर बारिश होगी। तो जिन्होंने आज कपड़े धुले होंगे वो तो लकी थे कि उनके सारे कपड़े आराम से सूख जाएंगे।
खैर कोई बात नहीं, कल नहीं तो परसों फिर हम धुल लेंगे, हो जाएगा। और आज मैं डिनर में एक नई चीज बनाने को सोच रही हूँ। नई नहीं है, मतलब है पुरानी ही, यूपी साइड में मेरे घर के साइड बनता है भकुसवा। आप लोग में से कितने लोग हैं जो जानते हैं मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए। लेकिन मैं वो रेसिपी इस व्लॉग में नहीं शेयर करूंगी, उसकी रेसिपी मैं कल के व्लॉग में डालूंगी, वरना ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। और मैं उसकी पूरी प्रॉपर रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। आटे के भकुसवा बनाने वाली हूँ। मेरी मम्मी चावल के बनाती है, मेरी नानी के साइड में चावल के बनते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है। जब मेरी मम्मी आई थी तो बनाया था उन्होंने, लेकिन आज मैं आटे के बनाने वाली हूँ, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कल के व्लॉग में पूरी प्रॉपर रेसिपी डालूंगी। वैसे तो मैं पहली बार या दूसरी बार ही बना रही हूँ, लेकिन मम्मी से पूछ पूछ के मैं सारी रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो जरूर कल का व्लॉग देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी। और अगर आप लोग बनाते हैं, आप लोग को पता है, तो कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं कल तो शेयर करूंगी ही आपके साथ। तो अभी हम लोग छत पे आ चुके हैं और यहाँ हम लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं। आज पापा जी का बर्थडे है, यानी कि मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे है, तो हम लोग उनको यहाँ विश करने के लिए वीडियो कॉल कर रहे हैं। पापा जी नमस्ते, हैप्पी बर्थडे टू यू। नमस्ते, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा अच्छा, तो बस यहाँ हम लोगों की बातें हो रही हैं, तो बस मैंने सोचा चलो आज रिकॉर्ड कर लेते हैं, आज पापा जी को भी अपने व्लॉग में ले आते हैं। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं पापा जी, तो हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन। तो चलिए आज इसी के साथ छत पे ही अपना व्लॉग फिनिश करते हैं, और अब यहाँ से नीचे जाऊँगी मैं, अपने डिनर की तैयारी करूँगी, वही बनाने वाली हूँ भकुसवा, मैंने आपको बताया था ना अभी। तो बस चलिए मिलती हूँ कल, ज़रूर कल के व्लॉग में देखिएगा, जो मैं डिश बनाने वाली हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।